नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, हमेशा अच्छे रहें दोस्तों। तो जय माँ अम्बे विलेज कुकिंग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ, तो चलिए आप लोगों को दिखाते कौन सी रेसिपी हम बनाएंगे। यहाँ पे हमने रेसिपी बनाने के लिए मूंग की दाल लिया है। देखिए छिकले वाली हमारी ये दाल, तो इसको हमने 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। तो अब इसको हमने धो के साफ पानी से देखिए छिलका निकाल दिया है। तो अभी हमारा थोड़ा सा छिलका इधर उधर का है, तो कोई दिक्कत भी नहीं, खाने में टेस्टी लगेंगे। तो चलिए आप लोगों को बता दें इसके हम बनाएंगे चिल्ले। तो यहाँ पर हमने मिक्सी जार लिया है, तो इसमें हम इसका पेस्ट तैयार करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने दाल को इसमें डाल दिया है। देखिए यहाँ पर हमारे लहसुन की कलियाँ हैं, हरी मिर्ची, अदरक इसको डाल देंगे। तो थोड़ा हम ज़्यादा डालेंगे ताकि इसमें अच्छा टेस्ट भी आए, खाने में थोड़ा सा तीखे भी रहें। तो डाल के हम यहाँ पे हमने दाल को पीस लिया है। देखिए इस तरह के इसको हम निकाल लेंगे बर्तन में, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसका पेस्ट यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी डाल के धो के इसमें डाल देंगे, जो हमारी दाल चिपकी है छोट के इसमें आ जाए। देखिए इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा जीरा दाना डालेंगे, थोड़ी सी तीखी मिर्ची डालेंगे। इसमें हमने हरी मिर्ची डाला है तो थोड़ा सा हम कम ही डालेंगे। धनिया पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा हम कलर के लिए हल्दी पाउडर डालेंगे, स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे, थोड़ा सा हम इसमें बेसन डाल देंगे बाइंडिंग के लिए। इसमें हम तीन हमारा ये देखिए चिल्ले का पेस्ट बन के रेडी हुए हैं। इस तरह का हमने गाढ़ा बना लिया है जी। यहाँ पे हमने देखिए गैस पे तवा चढ़ा दिया है, तो हम देख सकते हैं हमारा तवा गर्म हो गया है। अब हमारा गर्म होगा, अब इसमें हम डाल देंगे तेल। देखिए इसको हम अच्छी तरह से डाल देंगे तेल को। यहाँ पे हमने तेल को फैला दिया है, अब इसमें हम डालेंगे जो हमने पेस्ट बना के रखा चिल्ले का। यहाँ पे हमने चिल्ले को फैला दिया है इस तरह। हम थोड़ा सा जो हमारा पेस्ट है थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, इसमें हम थोड़ा हल्का सा पानी डाल देंगे ताकि जो हमारे चिल्ले हैं ज़्यादा मोटे न होने पाए। ये देखिए इस तरह हम अच्छी तरह से फैला देंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है हमको। देखिए इसमें हम डाल देंगे साइड से, देखिए तेल। अच्छी तरह से दबा दबा के पका लेंगे ताकि इसका अंदर का अंश अच्छी तरह से पक जाए। अब इसको हम उठा लेंगे। देखिए इसी तरह दूसरा तैयार करेंगे। देखिए तो भी हम अच्छी तरह से फैला देंगे। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने मूंग दाल के चिल्ले बना के रेडी कर दिया है। तो आप लोग देख सकते हैं कितने टेस्टी हमारे चिल्ले बने हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमने ये देखिए टमाटो केचप चटनी लिया है। आप चाहे तो देखिए चटनी के साथ खा सकते हैं, आप चाहे तो उनको दही के साथ खा सकते हैं, खाने में बहुत टेस्टी है दोस्तों। तीखी चटनी के साथ खा सकते हैं, आप चाहे तो उनको ऐसे ही खा सकते हैं। तो आप लोगों को हम बता दें इसमें हमारे पास हरी धनिया की पत्ती नहीं रही है, तो हमने नहीं डाला है। आप इसमें हरी धनिया की पत्ती ज़रूर डालें और खाने में बहुत टेस्टी है दोस्तों। तो ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों।
फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।